ये बढ़िया, इस एल्बम की सारी फोटोज शोएची ह्यूमेनो ने खींची है। वो एक अच्छे फोटोग्राफर हैं और बहुत मशहूर हो गए हैं। हाँ, ये अजीब दिखते हैं, लेकिन इनकी खींची हुई फोटो बहुत अच्छी है। हाँ, कुदरत की चीजों की फोटो लेने में तो वो माहिर हैं। ये काम वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वो अलग अलग जगहों पर जाकर कई अच्छी फोटोज को खींचते हैं। हर फोटो देखने में इतनी सुंदर होती है दोस्तों कि कोई भी उन्हें देखकर प्रभावित हो जाता है। मैं भी चाहता हूँ कि बड़ा होकर उनकी तरह एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनूं। ये अच्छा आइडिया है। हाँ, पर मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। क्या कहा? इस साल मुझे क्रिसमस पर वैसा ही प्रोफेशनल कैमरा चाहिए था जैसा मिस्टर शोएची ह्यूमेनो के पास है, लेकिन दोस्तों डैड ने मना कर दिया। नहीं नहीं शिजुका, वो बात नहीं है। दरअसल बात तो ये है कि मेरे कहने से पहले ही डैड मेरे लिए गिफ्ट खरीद चुके थे। मैं क्या करूँ? ऐसा क्या? वो देखो दोस्तों, वहाँ है मेरा गिफ्ट। अब मैं डैड को कैमरा के बारे में कैसे बताऊं दोस्तों? हाँ, वो दरअसल बात ऐसी है कि मुझे भी एक चीज चाहिए। क्या तुम्हें भी? वैसे मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि मुझे भी डॉल हाउस चाहिए था। वो क्या होता है शिजुका? एक डॉल का छोटा सा घर जिसे मैं अपने कमरे में रख सकती हूँ। जानते हो मेरे डैड किसी काम से बाहर गए थे और जानते हो वहाँ से वो मेरे लिए एक टेबल क्लॉक ले आए। सच बताऊं दोस्तों, मुझे तो अगर कोई भी तोहफा मिल गया ना, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे एक फिशिंग रॉड चाहिए थी जो माउंटेन स्ट्रीम्स पर यूज की जाती है, लेकिन मॉम बाजार से सिर्फ अपने लिए सामान लाई, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ जी। तुम जानते हो दोस्तों, मैंने इस बार क्रिसमस के लिए बहुत कुछ सोचा था। मैंने तो मॉम से कहा है कि मुझे गिफ्ट के तौर पर रेडियो चाहिए। क्या वो तुम्हें रेडियो देंगे? वो पता नहीं। बेहतर होगा अगर तुम कोई उम्मीद ही ना रखो। मॉम और डैड हमेशा वही चीज खरीदते हैं जिस चीज में हमारा फायदा होता है। कुछ ऐसा जो हमारे काम आ सके। हाँ, ये तो है। वो हमारी तरह थोड़ी सोचते हैं। सही कहा। अच्छा, तो क्या मॉम और डैड को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए नोबिता? डोरेमोन, मैंने उन्हें बोल तो दिया है, लेकिन अगर वो मुझे कुछ नहीं दे रहे तो कम से कम बोलना तो चाहिए, है ना? हाँ, वो तो है। पता नहीं जो रेडियो मुझे चाहिए मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। चिंता हो रही है, पता नहीं उन्हें याद है या नहीं। तुम उनसे एक बार पूछ क्यों नहीं लेते? हाँ, मैं घर आ गया। पापा आ गए हैं। आप पहले नहाएंगे क्या? पापा। ओ, कैसे हो बच्चों? डैड आपका स्वागत है। पापा, आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले आपको क्रिसमस गिफ्ट के लिए कुछ कहा था, याद है? हाँ, याद है बेटा। ऐसा करता हूँ, मैं इसे ये गिफ्ट अभी दे देता हूँ। ठीक है। ये बहुत भारी है। अरे ये क्या है? तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है नोबिता। अच्छे से पढ़ना, किताबें हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें ये किताबें पसंद आएंगी। लो देखो। पर मैंने तो रेडियो मांगा था पापा। रेडियो किसी काम का नहीं है, ये किताबें तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनो, अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अगले साल जो मांगोगे तुम्हें दे देंगे, ठीक है ना नोबिता? हाँ बिल्कुल। क्या कहा, अगले साल? ये बुरी बात है। ये क्या बात हुई मॉम डैड? ऐसा गिफ्ट तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। पता नहीं उन्होंने तुम्हें ये किताबें क्यों। कोई सोचेगा भी नहीं, और क्रिसमस ईव तो कल है, और तोहफा तो तभी दिया जाता है ना। मेरा तो सारा मजा खराब हो गया है। अब मैं क्या करूँगा डोरेमोन? बिल्कुल बेकार। ये पहले ही अच्छा था, जब मैं छोटा था मैं बहुत कोशिश करके रात को जागता था और सांता क्लॉस का इंतजार करता था कि वो आकर मुझे गिफ्ट देंगे, लेकिन फिर ना मुझे नींद आ जाती, और पता है फिर मैं सुबह जल्दी उठता था और अपना तोहफा देखकर मुझे इतनी खुशी होती कि मैं क्या बताऊं। वैसी खुशी मुझे वापस चाहिए डोरेमोन, कुछ करो ना। सांता मेल, और ये देखो, ये है एक पोस्टेज स्टैम्प। तुम्हें चाहिए उसका नाम लिखो। ये क्या है? इस पर जो भी लिखा है तुम्हें उसे भरना है नोबिता, और तुम इसे भरकर जब भेजोगे तो सांता तुम्हें गिफ्ट देंगे। क्या सच में? हाँ, और इस तरह तुम्हें तुम्हारा रेडियो मिल जाएगा। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। शुक्रिया डोरेमोन, कमाल है, शानदार। नोबिता, डोरेमोन, नाश्ता तैयार है। नोबिता चलो नीचे चले। हाँ हाँ आता हूँ, पहले इसे भरूंगा फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है।
जल्दी करो नोबिता। आया। अरे ये क्या, मैं तो इसे यहीं पर भूल गया था। अरे अब मेरा काम बन जाएगा। नोबिता। गुड मॉर्निंग नोबिता। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। नोबिता तुमने किसी को चिट्ठी दी? जानती हो मैंने सांता क्लॉस को चिट्ठी भेजी है। हाँ ये लो तुम्हारे लिए। पर इस चिट्ठी से क्या होगा? असल में इसके ऊपर है, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, संभाल कर। किस बारे में बात कर रहे हैं? चलो देखते हैं। सही करना। क्या सच में? फिर तो सांता क्लॉस जरूर मेरे लिए एक डॉल हाउस लेकर आएंगे। हाँ आखिरकार ये डोरेमोन का गैजेट है ना? डोरेमोन का गैजेट है? बहुत अच्छे नोबिता, हमें भी सांता क्लॉस से कई तोहफे चाहिए, क्यों है ना? हाँ बिल्कुल। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया नोबिता। क्यों नोबिता, इसका करना क्या है? तुम्हें जो चीज चाहिए उसे तुम यहाँ लिख लो। मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ? नोबिता। हाय क्या हुआ? मैंने सांता मेल को यही रखा था, वो कहाँ चला गया बताओ मुझे। मैं तो उसे अपने साथ ले गया था। हाँ कहीं तुमने उसे भेज तो नहीं दिया? मैंने सोचा मेरी इच्छा तो पूरी हो गई है, तो मैंने उसे जियान सुनियो और शिजुका को दे दिया। सब लोग खुश हो गए। वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वैसे तुम खुश नहीं दिख रहे। ये तुमने क्या कह दिया? तुम उसे बिना स्टैम्प के इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वो अपनी स्टैम्प्स खुद लगा लेंगे। वो कोई ऐसी वैसी स्टैम्प नहीं है। जो स्टैम्प मैंने कल तुम्हारे पोस्ट कार्ड पर लगाई थी वो खास स्टैम्प थी, जो सिर्फ सांता मेल के लिए ही बनी है। वो बहुत महंगी होती है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही खरीद पाया था। अगर हम उसे बिना स्टैम्प के ही भेज देते हैं तो हमें गिफ्ट नहीं मिलता नोबिता। अरे नहीं, असल में सांता मेल क्रिसमस गिफ्ट्स बांटने के लिए बनाया गया एक खास गैजेट है। इसे बनाने वाले डिपार्टमेंट का एक डिलीवरी सेंटर नॉर्थ पोल पर है, और क्रिसमस ईव पर उस डिलीवरी सेंटर से सांता रोबोट्स गिफ्ट बांटने के लिए निकल जाते हैं, और इस तरह से वो सभी बच्चों तक उनके गिफ्ट्स पहुंचा देते हैं। अरे नहीं अब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा बोलो? मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुमने पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और वो सारे पोस्टकार्ड्स अपने दोस्तों में बांट दिए। अब वो तुम्हारी वजह से उदास हो जाएंगे। शिजुका जियान और सुनियो सब तुम पर बहुत गुस्सा होंगे, और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ नोबिता, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। वो तुम खुद ही संभालो, समझे? मुझे रेडियो नहीं चाहिए। हाँ? मेरी रेडियो के बजाय सबको उनके तोहफे दे दो। क्या कहा नोबिता? सब लोग अपने तोहफे का इंतजार कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि असल में सांता क्लॉस होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने तोहफे का इंतजार करते हैं क्रिसमस के दिन पर। जब मैं छोटा था मैं चाहता था मैं सुबह उठते ही अपना तोहफा सबसे पहले देखूं। सबको वो चिट्ठी देकर मैंने ये सोचा था कि वो मेरी वजह से खुश हो जाएंगे। सब लोग इतने खुश हैं, मैं उन्हें सच नहीं बता सकता। मुझे अपना रेडियो नहीं चाहिए डोरेमोन, उसके बजाय तुम सबको उनके गिफ्ट दे दो प्लीज। मैं रेडियो के बिना रह लूंगा। चुप हो जाओ नोबिता, तुम तो कितने अच्छे हो। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पर गुस्सा किया। तुम अपने सब दोस्तों के बारे में कितना सोच रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो डोरेमोन। चलो नोबिता, अब हमें किसी भी तरह उन सब तक उनके गिफ्ट्स पहुंचाने ही होंगे। हाँ उसकी बात तो तुम मेरा रेडियो मुझे दे दोगी ना डोरेमोन? बोलो। नोबिता पहले हमें उन सबको उनके गिफ्ट्स देने हैं, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन फिर? कोई बात नहीं, उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे दोस्तों को गिफ्ट जरूर दूंगा और तुम्हारे लिए भी कोशिश करूंगा डोरेमोन। हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में खुद समझ जाओगे। इसके आगे हमें क्या करना है डोरेमोन? अरे नोबिता अब हमें सबके लिए गिफ्ट्स लेने हैं, और क्या? तुम वो खरीदने वाले हो डोरेमोन? बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर तुम क्या करोगे? एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैमरा।
जब हम इससे फोटो खींचेंगे तो वो चीज असली में हमारे सामने आ जाएगी। ऐसा है क्या? तो इससे हम तोहफे इकट्ठे करेंगे? असल में डिपार्टमेंट के लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हम कोई चोरी नहीं कर रहे, हम माफ़ी मांग लेंगे। कहेंगे ऐसा फिर नहीं करेंगे। शिजुका के लिए कैसा रहेगा? हाँ, ये वाला तो बहुत ही अच्छा रहेगा नोबिता। हाँ, इससे काम बन जाएगा। हम घर वापस जाकर इसमें से असली गिफ्ट्स निकाल लेंगे। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, ओ, बहुत अच्छी फोटो है। क्या फोटो? वहाँ देखो। ये क्या लिखा है? अरे ये तो वही है जिसके बारे में सुनियो बात कर रहा था। हाँ? क्या हम अंदर चलकर देखें? लेकिन शायद हमें उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। टिकट मिलेगा? हाँ? अरे डोरेमोन, जरा ये तो देखो नोबिता, कितनी सुंदर फोटो है। सही कहा। बहुत सुंदर है ना? ये वाली भी बहुत सुंदर है। सही कहा। हाँ, ये क्या है? मुझे ये फोटो बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज चुप हो जाओ भाई, डैड की फोटो के बारे में ऐसा मत कहो। ये क्या हो रहा है? पता नहीं। चुप हो जाओ, वो मेरे डैड नहीं है। वो हमारे डैड है, उनके बारे में ऐसे मत कहो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चलो यहाँ से। क्रिसमस के दिन भी डैड घर वापस नहीं आ रहे हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। घर चलो, मिलकर खाएंगे। तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही होंगी। उन्होंने वादा किया था कि वो आएंगे, पर वो नहीं आ रहे। उन्होंने वादा किया था कि वो हम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। मॉम ने कहा वो नहीं आएंगे क्योंकि वो काम में फंसे हैं। पर उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए था। वो बस हमेशा फोटोज खींचने में बिजी रहते हैं। उन्हें उनका किया हुआ वादा याद भी नहीं होगा और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। रुको भैया, रुक जाओ, रुको। अरे उन दोनों को तो मैं जानता हूँ। सच में जानते हो? मॉम हम घर आ गए। अरे इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ चले गए थे तुम लोग, बताओ मुझे? हम डैड का फोटो एग्जीबिशन देखने गए थे। अच्छा, फिर से? यूता, यूता तुम अब भी गुस्सा हो? देखो तुम्हारे डैड इसलिए घर नहीं आ पाए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। हाँ, कितना बड़ा केक है। मॉम, क्या ये आपने बनाया है? हाँ मैंने बनाया है। और खाना भी? हाँ वो भी है। भैया यहाँ सब बहुत अच्छा है, यहाँ आओ भैया। तुम चुप हो जाओ, मुझे उस केक से कोई खुशी नहीं मिलने वाली। मुझे पता है, डैड सांता के देश गए हैं, है ना मॉम? हाँ, वो फिनलैंड नाम के देश गए हैं। एक बात बताइए मॉम, क्या डैड सांता से हमारे लिए तोहफे लाएंगे? हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आएंगे। अब अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाओ। हाँ, हाँ मुझे कोई भी तोहफा नहीं चाहिए। ओ ऐसा है क्या? पर मुझे तो लगा था तुम्हें कोई तोहफा जरूर चाहिए। हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे एक पांडा चाहिए मॉम, क्या मिलेगा मुझे? तुम्हें पांडा चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से कहूँगी तुम्हारे लिए पांडा लेकर आएंगे। सच मॉम? सांता असल में होते ही नहीं है। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए और ना ही मुझे डैड से बात करनी है। मुझे डर लग रहा है मॉम। डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं तो अब तक उसके बारे में सोच रहा हूँ। वो बच्ची रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते? हाँ नोबिता एक बात सुनो, अगर हम उन्हें भी क्रिसमस गिफ्ट्स देंगे तो कैसा रहेगा बताओ? हाँ? मैं और तुम सांता के कपड़े पहनकर उन दोनों को क्रिसमस गिफ्ट्स दे सकते हैं। हम जियान, सुनियो और शिजुका को भी गिफ्ट्स देंगे और उन दोनों को भी। कैसा आइडिया है? बढ़िया आइडिया है, पर हम उन्हें देंगे क्या?
उस बच्ची ने कहा था कि उसे पांडा चाहिए। पांडा? हम वो कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं लगता कि हम किसी जू से एक पांडा ला पाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? समझो कि हमें पांडा मिल गया है डोरेमोन। हाँ? अच्छा, हमारे पास काला और सफेद पेंट है ना? हाँ? हे, चलो जाने का समय आ गया है। मुझ पर हंसो मत। तुम पांडा कम रकून ज्यादा लग रहे हो डोरेमोन। कितने क्यूट हो तुम। अरे नहीं, मुझे पांडा नहीं बनना। शांत हो जाओ। चलो गुस्सा मत हो, उन छोटे बच्चों के बारे में सोचो। गिफ्ट देख कर वो कितने खुश होंगे। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। रेंडियर रॉकेट। तो फिर चलो। पहले हम शिजुका के घर जाएंगे। चिमनी से अंदर जाना चाहिए। शिजुका, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरी क्रिसमस शिजुका, ख्याल रखना। ये तो कितनी बड़ी सॉक्स है। ये सुनियो ना, लालची का लालची रहेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। चलो मेरी क्रिसमस सुनियो। कोई बात नहीं, तुम्हें माफ किया, ख्याल रखना अपना। जुखाम हो जाएगा जियान, रुको। मेरी क्रिसमस। और अब जाना है यूता के घर। मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना नोबिता? हाँ हाँ बिल्कुल। एक पांडा? क्या मैं सच में पांडा लग रहा हूँ? चलो अच्छा हुआ, एक बोलने वाला पांडा। मेरी क्रिसमस प्यारी बच्ची। अरे सांता! चुप हो जाओ वरना तुम्हारी मॉम उठ जाएंगी। वाह, मुझे पांडा मिल गया। काना, क्या बात है? मेरी क्रिसमस यूता। सांता और पांडा, क्या आप सच में सांता क्लॉज है? हाँ बिल्कुल। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खास तोहफे लाया हूँ, देखो तो सही। क्या ये पांडा मैं अपने पास रख सकती हूँ? बड़ा मजा आएगा। लेकिन मैं तुम्हें स्लीपर सैर करा सकता हूँ, क्या कहती हो छोटी बच्ची? क्या तुम हमें सैर कराओगी? हम सच में सैर कर सकते हैं? हाँ हाँ सच में। अरे वाह। बच्चों, क्या तुम लोग सांता के घर नहीं जाना चाहते? सांता के देश। चलो चले। बढ़िया। डोरेमोन, काम शुरू करो। ठीक है नोबिता। हम कहाँ हैं? हम फिनलैंड पहुँच गए हैं। फिनलैंड? हमारे डैड भी तो यहीं पर है। हाँ, डैड तो यहीं है। क्या तुम अपने डैड से मिलना चाहते हो? मिल गए, वो रहे। सच में? हमें वहाँ जाना चाहिए नोबिता। तो ऐसी बात है क्या? चलो भी नोबिता, हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। पता है, कहा जाता है कि सांता क्लॉज का घर भी वहीं पर है। ठीक है, तो चलो चल कर देखे। लग रहा है बच्चों? अरे देखो, वहाँ नीचे कोई है। ये तो वही है। ये तो डैड है। जरा टेम्परेचर तो देखो, इतनी ठंड में भी वो यहाँ पर खड़े होकर फोटोज खींच रहे हैं। अजीब
अजीब बात है ना। फोटो खींचने में उन्हें कितनी परेशानी होती होगी ना। हो गए थे देखा तुमने। हाँ, हम लगभग पूरी रात जाग रहे थे, अब सो जाते हैं। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। सपना आया होगा। मॉम, वैसे डैड वापस कब आ रहे हैं? मैं उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज सुबह ही उनका फोन आया था। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके कल घर वापस आ रहे हैं। सच में? हाँ। ये! और इसके साथ ही उन्होंने एक और बहुत अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा उन्होंने सांता क्लॉस को आसमान में उड़ते देखा। हाँ, उनके साथ एक पांडा भी आया।